हेलो गाइस, मैं नेशनल एथलीट अंकित शर्मा, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पे। गाइस, साई की तरफ से NIS का 1 ईयर्स का डिप्लोमा का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस गेम में कौन कौन से खिलाड़ी गेम वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उन गेमों में कितनी वैकेंसी निकल के आई है, क्या एज लिमिट क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है, प्लस क्या स्पोर्ट्स अचीवमेंट डिप्लोमा में चाहिए। तो गाइस, सब कुछ इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो गाइज, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है और साथ साथ मोटिवेट करता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए। क्योंकि गाइज, आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियो जैसे कि स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट, CS BSR, रेलवे, इनकम टैक्स, CRPF, यहाँ तक कि जो नॉर्मल कोटा के अंदर रिजर्व्ड होती स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट, वो भी टाइम टू टाइम मेरे द्वारा मेरे चैनल पर ऑथेंटिक तरीके से आप तक पहुँचाया जाता है। प्लस छोटी छोटी अपडेट स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट की, जैसे कि ट्रायल लिस्ट, मेडिकल लिस्ट, एलिजिबल नॉन एलिजिबल लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट, प्लस स्पोर्ट्स कोचेज की वैकेंसी भी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाता है। आपका जो कॉन्सेप्ट है ऑल क्लियर किया जाता है। तो गाइस, बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ये साई की तरफ से नेताजी सुभाष नेशनल ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला की तरफ से NIS का 1 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्स नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जिसकी अप्लाई करिए ऑनलाइन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ओवर 10 मार्च 2023 से स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट 7 अप्रैल 2023 है। करेक्शन विंडो की बात कर तो 8 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक 2023 के बीच में आप करेक्शन आपकी करवा सकते हो, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जो कि 2 डेज की इसमें रहने वाला है। तो गाइस, इसकी बात करें इसके अंदर गेम और कौन इस गेम से जो रिलेटेड है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उन गेमों में कितनी वैकेंसी निकल के आई है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो गाइस, टोटल गेम की बात करें तो 26 गेम्स की इसके अंदर वैकेंसी निकल के आई, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, कनोइंग, काइंग, साइकिलिंग, फेंसिंग, फुटबॉल, जिमनास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, रोइंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, रेसलिंग, वुशु, योगा। तो टोटल 26 गेम की गाइस इसके अंदर वैकेंसी निकल के आई है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। और उन गेम में कितनी वैकेंसी रिजर्व्ड है, जो कि आप देख सकते हो, जैसे कि आर्चरी के अंदर 30 है, एथलेटिक्स के अंदर 75 है, बैडमिंटन के अंदर 20 है। तो गाइस, आपको देखना है कि आपका गेम कौन सा है और उन गेमों में वैकेंसी मेरी कितनी आई है। तो गाइस, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, टोटल 26 गेम्स है जो इस गेम से रिलेटेड है, वो उन्हें अप्लाई करना है। और टोटल गाइस इसकी वैकेंसी 765 निकल गई है। गाइस, ये इंडियन के लोकेशन है और इंटरनेशनल लोकेशन बांग्लादेश, नेपाल है। तो अब बात करें गाइस इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन और स्पोर्ट्स अचीवमेंट की, उसी बेस पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी ए के अंदर फर्स्ट डायरेक्ट एडमिशन फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। तो गाइस, आप प्लस टू हो और साथ में आपने रिप्रेजेंट कर रखा है ओलंपिक को और पार्टिसिपेशन है सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में और वन एनी मेडल इन एशियन कॉमनवेल्थ के अंदर, आप सीधा इसमें एलिजिबल हो जाते हो NIS के लिए। इसके अंदर पार्टिसिपेशन है ओलंपिक के अंदर और पार्टिसिपेशन है सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर और मेडल है एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। ठीक है गाइस, आप प्लस टू बेस पे सीधा इसमें एलिजिबल हो जाते हो। और साथ में गाइस, कैटेगरी ए सेकंड की बात करें फॉर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन की, तो प्लस टू आपकी होनी चाहिए और स्पोर्ट्स अचीवमेंट ओलंपिक गेम्स, पार्टिसिपेशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कंपटीशन, ओलंपिक गेम्स, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम, सीनियर एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, सीनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, यूथ ओलंपिक। जो गाइस, मैं जितने भी टूर्नामेंट बताए ये सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, इसके अंदर आपका पार्टिसिपेशन है, मेडल है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो प्लस टू बेस पे भी। यदि आपके पास कैटेगरी की बी की बात करें तो ग्रेजुएशन है और स्पोर्ट्स अचीवमेंट की बात करें तो पार्टिसिपेशन इन मेजर इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड कंपटीशन, और के अंदर बात करें तो उस ऑप्शन में पार्टिसिपेशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग रिकग्नाइज्ड सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, खेलो इंडिया इंटरनेशनल गेम्स, ऑल इंडिया इंटरनेशनल गेम्स, आपके पास पार्टिसिपेशन है और ग्रेजुएशन है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। और में देखें तो 2 टाइम्स पार्टिसिपेशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि जूनियर यूथ नेशनल चैंपियनशिप, इंटर सर्विस, इंटर रेलवे चैंपियनशिप, ऑल इंडिया पुलिस गेम्स के अंदर आपने 2 टाइम्स आपने पार्टिसिपेशन है तो भी आप इसमें अंदर एलिजिबल हो, प्लस ग्रेजुएशन के साथ गाइस। ठीक है, अब बात करें और में भी सक्सेसफुल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ साई NIS 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग। तो गाइस, जो मैंने 6 वीक की स्पोर्ट्स कोचिंग वैकेंसी की मैंने वीडियो भी बनाया था,
तो आपके पास वो 6 वीक का सर्टिफिकेट भी आपके पास है, इसमें से कोई भी आपके पास स्पोर्ट्स अचीवमेंट नहीं है, ठीक है। आपके पास 6 वीक का सर्टिफिकेट भी है प्लस ग्रेजुएशन है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो गाइस 6 वीक का सर्टिफिकेट का ये भी फ़ायदा है कि आप सीधा ग्रेजुएशन है साथ में आप सीधा NIS के लिए, फुल NIS के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। कैटेगरी सी की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट वालों के लिए ग्रेजुएशन हो, ये स्पोर्ट्स अचीवमेंट की बात करें तो मेडल विनर इन नॉर्थ ईस्ट गेम्स, और में देखें तो 2 times पार्टिसिपेशन इन नॉर्थ ईस्ट गेम्स, फुलफिलिंग द क्राइटेरिया एज मेंशन इन कैटेगरी बी, जो ये है, ठीक है गाइस। अब बात करें गाइस एज लिमिट क्राइटेरिया की, तो 21 से लेकर 45 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 21 से कम वाले नहीं कर सकते, ना ही 45 से ऊपर वाले कर सकते। अब बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो 5 years का इसमें एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, जो कि ओलंपिक गेम्स, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, सीनियर एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, सीनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, जो इसके जो गाइज ये मैंने टूर्नामेंट बताया, ये इंटरनेशनल ही टूर्नामेंट है, इसके अंदर आपके पास पार्टिसिपेटेड है तो आप इसके अंदर आपको 5 years का एज रिलैक्सेशन मिल जाना है। और कैंडिडेट SC ST OBC वालों के लिए भी इसमें एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। अब बात करें गाइज अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स फॉर एडमिशन क्राइटेरिया, तो गाइज इसके अंदर आपके मार्क्स जुड़ने वाले हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, स्पोर्ट्स अचीवमेंट के, इंटरव्यू के, स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट थ्योरी टेस्ट के। तो गाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 marks आपको मिलने वाले, स्पोर्ट्स अचीवमेंट के 20 है, वर्चुअल इंटरव्यू के 10 है, और MCQ स्पेशलाइज स्पोर्ट्स अथॉरिटी टेस्ट के 25 है, जनरल नॉलेज थ्योरी टेस्ट MCQ 10 है, लॉजिकल रीजनिंग 10 है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन 10 है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का भी 5 है। तो टोटल 100 marks का इसके अंदर आपका होने वाला है। तो गाइज ये जो है आपका, अब कि इसकी जो लास्ट डेट 7 अप्रैल 2023 से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गाइज मार्क्स फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की गाइज इसके अंदर मार्क्स मिलने वाले, जैसे कि आपने BPED कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट, आपने MCOM कर रखी है, MA कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी एनी अदर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो भी आपको इसमें 3 marks मिलने वाले हैं। और MPED कर रखी है, MBA कर रखी है इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर 5 marks मिलने वाले हैं, MPhil कर रखी है, PhD कर रखी है इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में, तो आपको 10 marks मिलने वाले हैं। तो यदि इनमें से कोई सी भी नहीं कर रखी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले गाइस इसमें। अब बात करें गाइस मार्क्स फॉर स्पोर्ट्स अचीवमेंट की, तो गाइस जैसे मैं अभी ऊपर बताया था कि जितने भी अचीवमेंट मैंने बताए थे, पहले बताए थे सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट थे, उसके बाद इंटरनेशनल थे, उसके बाद नेशनल बताया था, ऑल इंडिया बताया था, तो उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलने वाले। तो यदि आप पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक, मेडल विनर ऑफ सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, गोल्ड मेडल विनर इन एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स है तो 20 marks मिलने वाले हैं, सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल इन एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स, सीनियर एशियन कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, मेडल विनर इन यूथ ओलंपिक्स, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, मेडल विनर इन वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स, वर्ल्ड पुलिस गेम्स, 15 marks मिलने वाले हैं, पार्टिसिपेशन इन एशियन कॉमनवेल्थ गेम, सीनियर वर्ल्ड एशियन कॉमनवेल्थ, सैफ गेम, सार्क गेम्स, मेडल विनर इन नेशनल गेम, मेडल विनर इन नेशनल चैंपियनशिप, पार्टिसिपेशन इन यूथ ओलंपिक गेम्स, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स, वर्ल्ड पुलिस गेम्स, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन है, मेडल है, तो आपको 10 marks इसमें मिलने वाले, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। पार्टिसिपेशन इन सैफ गेम, मेडल इन विनर इन ऑल इंडिया इंटरनिवर्सिटी जूनियर यूथ नेशनल खेलो इंडिया यूथ स्कूल यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर भी आपको 5 marks मिलने वाले इसमें। तो गाइस आपको देखना है आपके पास कौन सी इसमें अचीवमेंट थी, यूथ की थी, जूनियर की थी, सीनियर की थी, एशियन की थी, कॉमनवेल्थ की थी, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की थी, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको इसमें मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। अब बात करें गाइस इसके अंदर आपका इसमें एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, एंट्रेंस टेस्ट होगा इसमें, उसी बेस पे आपको इसमें उसके अंदर आपके जैसे मैंने बताया था अभी, इसके अंदर स्पेशल स्पोर्ट्स अथॉरिटी टेस्ट MCQ आएंगे, जनरल नॉलेज से रिलेटेड, लॉजिकल रीजनिंग, कोचिंग एप्टीट्यूड, लैंग्वेज कम्युनिकेशन, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। तो गाइस इसी से रिलेटेड आपको इसके अंदर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं MCQ, ठीक है। अब बात करें गाइस इसके अंदर आप एंट्रेंस टेस्ट के अंदर आप शॉर्टलिस्ट कर दिए जाते हो, तो आपको इसके अंदर फिजिकल टेस्ट होगा कि आप इसके अंदर एलिजिबल हो या इसके अंदर कोई क्वालिफाई मार्क्स इसमें नहीं है, इसके अंदर आपको सिर्फ ट्रेनिंग कराया जाएगा कि आप इसके अंदर मतलब आपके अंदर क्षमता है या नहीं है। तो इसके अंदर 30 meter फ्लाइंग स्टार्ट होगा, स्टैंडिंग बोर्ड जंप होता है, शटर रन 6 into 10, बैंड रीच फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, 1600 meter रनिंग, जो कि आसान ईजी है गाइस, जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो तो ईजिली कर जाएगा, ठीक है। अब बात करें गाइस ये इंपॉर्टेंट फॉर द इंटेंशन ऑफ द कैंडिडेट, गाइस आपको अच्छी तरह पढ़ लेने हैं
तो गाइस जो मेन मेन था आपको मैंने बताया और आपका जो डाउट है क्लियर भी करा। अब बात करें इसकी फ़ीस की, तो इसकी गाइस 1500 रुपीज़ यानी 1500 फीस लगने वाली, जो कि नॉन रिफंडेबल है। फ़ी स्ट्रक्चर फॉर डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग सीजन 2023-24। तो गाइस इसकी जो टोटल आपकी फ़ीस लगने वाली है 59,800 लगने वाली, यानी 59,800 इसके अंदर आपकी फ़ीस लगने वाली। जो फॉरन कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर, उनके लिए 88,800 इसके अंदर फ़ीस लगने वाली, जो कि आप देख सकते हो फी रिफंड है, जो कि अपनी पॉलिसी ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स के कमीशन। इट इफ़ ए स्टूडेंट चूजन टू विदड्रॉ फॉर दी डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग इन विच ही शी इज़ इनरोल्ड, द इंस्टीट्यूट विल फॉलो द रिफंड पॉलिसी ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो गाइस इसका रिटर्न 14 मई 2023 को हो जाएगा, जो कि संडे को होने वाला है, जो कि ऊपर नीचे भी हो सकता है गाइस इसका। फिर उसके बाद आप रिटर्न के बाद इसमें इंटरव्यू की डेट भी आ जाएगी, जो कि इनके द्वारा ही आएगी। तो गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो गाइस इसका बेनिफिट बताऊँ तो गाइस आप इसको, इसके अंदर आप जिस गेम से रिलेटेड हो वो उसी से आपको अप्लाई करना है, उसी में ही आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट होनी चाहिए। तो इसी बेस पे आप गाइस ये फुल एनालाइज कर लेते हो तो आप गवर्नमेंट जॉब भी कोच की लग सकते हो, ठीक है। तो गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके आपके ही गेम में आपकी नॉलेज बढ़ेगी, जो कि एनआईएस नेताजी सुभाष नेशनल ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला के अंदर आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा आपकी गेम से रिलेटेड ही। तो गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको वीडियो लगी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियो प्लस स्पोर्ट्स रिक्रूटमेंट प्लस अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।